नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं ऑल थिंग्स फ्रॉम गॉट टू फूड रेसिपी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आज हम खोल के देखेंगे कि एक हैंगर वेट मशीन के अंदर क्या है। मेरे पास दो टाइप के हैंगर वेट मशीन है, एक 5 किलो नाप सकता है और दूसरा 25 किलो। दोनों के बारे में बता दो, दोनों सेल्टर कंपनी का है। एक ये है, ये 25 किलो तक नाप सकता है, देख सकते हैं। ये मैक्सिमम 25 किलो और मिनिमम 100 ग्राम नाप सकता है। ये मैक्सिमम 25 किलो और मिनिमम 100 ग्राम तक नाप सकता है। ये सेल्टर कंपनी का यहाँ लिखा देख सकते हैं। और ये मॉडल नंबर 236M है। और दूसरा है मेरे पास ये सिर्फ 5 किलो तक नाप सकता है और ये भी सेल्टर कंपनी का ही है। अच्छे से इसमें नहीं दिख रहा होगा, सेल्टर कंपनी का है, सुपर सैमसंग। ओके, तो ये 5 किलो तक नाप सकता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में इसके अंदर क्या है बताऊंगा, इस वीडियो में इसके अंदर क्या है ये बताऊंगा। अगले वीडियो में आप देखिएगा इसके अंदर क्या है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इसको हम साइड करते हैं। और अब इसमें क्या है ये बताते हैं। जी अभी भी काम करता है, हम आपको डेमो दिखा सकते हैं। मेरे पास है एक मेरा स्कूल बैग, ये मेरे स्कूल बैग नीचे रखे हैं। देखते हैं ये कितना किलो का है ये बता सकता है। तो मैं इसको इसमें बांध देता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने इसको इसमें बांध दिया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब इसका वजन नाप के दिखाता हूँ आपको। बाप रे, ये 4 किलो का है, नहीं 6 किलो का है ये। तो आपने देखे कि ये काम करता है अभी भी। तो आपने देखे कि ये अभी भी काम करता है। जनाब हम इसको खोल के देखेंगे। खोलने के लिए मैं लिया हूँ ये स्क्रू ड्राइवर और सीजर। ओके, और अब इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर का केस निकालना पड़ेगा। साइड्स में ये है, पहले ये खोलने पड़ेंगे। सो मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ रख लिया। अब मैं इसको खोल के देखूँगा, साइड से पिन खोलना पड़ेगा। देखिए मैं खोल रहा हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये खुल रहा है, इसका ऊपर का केस पहले खोलना पड़ेगा। इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ मैकेनिज्म होगा। ये इसका फर्स्ट स्क्रू, साइड रख देता हूँ। अब इस साइड का खोलता हूँ, थोड़ा जाम लग रहा है। ये भी खुल रहा है, और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये दूसरा स्क्रू, ऐसे करके सारे स्क्रू खोलने पड़ेंगे। मैं तब तक खोलता हूँ। ऐसे करते हुए मैंने 4 स्क्रू खोल दिए, ये लास्ट स्क्रू था। अब ये ऊपर का केस खुल गया जी, देखिए ये था इसके ऊपर का केस। अब ये है,
यानी कि ये वजन पे घूमता है। जब ये नीचे एक्सटेंड होता है ना तब ये होता है, देखिए मैं घुमाऊँ तो ये नीचे से एक्सटेंड हो, यानी कि जितना उतना बढ़ेगा। ओके सो अब इसका ये खोलते हैं। अब इसको खोलने के लिए हमें यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ पर है। तो पीछे से मैं गलत खोल रहा था, यहाँ से खुलेगा। यहाँ पे भी दो स्क्रू है, पहले ये खोल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये एक साइड का खुल गया, ये देखिए एक इसके नीचे खुला है क्या। इस साइड का भी खोलते हैं वैसे ही। इस साइड का भी खुल गया मेरा ये। अब हमको ये खोलना होगा, उसके लिए ये खोलना पड़ेगा। तो ये हम नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इसके लिए कुछ और डिवाइस चाहिए। तो इस साइड का खोलना पड़ेगा जी, मैं एक साइड से खोल रहा हूँ, ये मेरा खुला जा रही है अभी भी। तो पहले मेरे को इन सब का खोल लूँगा जी। मेरा ये चारों तरफ से खुल चुका है, अब मैं ये खोल रहा हूँ, खुल जा। अभी क्यों नहीं खुल रहा, कहाँ का छूट गया। चारों तरफ से तो खुल गया, ऐसे खोलना पड़ेगा लगता है जी। ये देखिए ये भी खुल गया, ये सब निकालना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे निकलता है। ये देखिए फाइनली ये खुल गया, बाप रे क्या डेंजर डेंजर सामान रखे हैं अंदर। ये एक ये नीडल, ये प्लेट में घूमता है, ये नीडल घुमाने के लिए ये मैकेनिज्म यहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा देखे आपने, पास से जाके दिखाता हूँ आपको। यानी कि जब ये नीचे टर्न रहा है तब ये मैकेनिज्म यूज हो रहा है। देखे तो अब ये खुल रहा है,
हाँ देखिए पूरा खुल गया। तो इसमें टोटल यही था और कुछ नहीं था। ये मैकेनिज्म भी बड़ा मस्त है, आपको देख लेते हैं। ये देखो, ये बीच में अगर मैं ये रख दे रहा हूँ, ये अगर खींच रहा हूँ मैं, तब देखिए मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। यानी कि सारा का सारा ये स्प्रिंग से रिलेटेड है। तो जैसे ही मैं इससे ऐसे टानूंगा, ये होगा। तो यहाँ पर है दो स्प्रिंग नीडल और ये पता नहीं क्या है। यहाँ पर ये और स्प्रिंग्स भी हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स, ताकि ये पीछे पुल अप हो तो ये नीडल को घुमा पाए इधर उधर। और ये जैसे ही नीचे करेंगे उतना ये ऊपर उठते जाएगा। ये रिलैक्स हो गया, रिलैक्स। अब ये देखिए स्ट्रेच हो रहा है, देन रिलैक्सेशन। बस यहाँ से सेक्स यानी कि सेलेक्ट हो रहा है, जितना रिलैक्सेशन हो रहा है, ये जितना वजन नीचे पड़ेगा सेम उतना ही वजन ऊपर जा रहा है, वही हो रहा है। सो एक हैंगर वेट मशीन के अंदर हमें सबसे पहले खोले केस, यानी ये उसके स्क्रूप निकाले, ये सब स्क्रूप्स, फिर ये प्लेट, नीडल, फ्रेम, फ्रेम विथ मैकेनिज्म। सो अब टाटा कहने का वक्त आ गया है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल थिंग फ्रॉम होम टू फूड रेसिपी। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या है। सो बाय।